इस मंदिर में बहुत पर्चे हुए हैं, जब तो इतना मंदिर बन गया, इतना फेमस हो गया। अभी बजी है 5 दोपहर की, 4:15, और देख लो कितनी भीड़ है। अभी भीड़ है, लोग आ ही रहे हैं पैदल। जय बाबा रामदेव की जय, मेरे चमत्कारी बाबा। अरे महाराज पीरों के पीर, राम सा पीर की जय। मेरे को बहुत अच्छा लगता है ऐसे गाँव में मंदिर होते हैं, जो आराम से बैठो मजे से। आज टीले टीले हैं चारों तरफ, अंबासर गांव के अंदर आई है। ऐसा है पंडित जी, अब स्टोरी बताएंगे इस मंदिर की, क्या है रामदेव बाबा की। पहले मैं अच्छे से ले लेता हूँ, रामदेव जी बाबा के दर्शन करवा देता। हाँ बताओ महाराज। सुजान देसर यहाँ से सेवा गई हुई है ना, मेन मंदिर पहले ये है, बाद में सुजान देसर, ठीक है। और रामदेव जी की जो आपके यहाँ पूजा करते, कितने लोग थे यार, कितना साल हो गया इस मंदिर को? भाई मंदिर तो कोई मैं आपके तो कौन करता पहले और हाँ, कितने साल हो गया मंदिर ने लेने? अब साल रो तो मैंने पूरा ध्यान सुजान देश रो पहले सुजान तो 350 साल हो गए भाई, 350 साल पुराना मंदिर है ये। सुजान देसर से पहले बड़ा हुआ मंदिर है, सुजान देसर की यहाँ से जोत गई हुई है, और वो इसलिए फेमस हो गया, वो बीकानेर सिटी में है, ये गांव में है, इसलिए लोगों को कम ध्यान, इसलिए लोग यहाँ पे कम आते हैं। मंदिर बहुत अच्छा है, जरूर आना। ये कौन सा गांव है? अंबासर गांव में ये, ठीक साहब। जय बाबा मेरी नहीं, ये डाली माई है, ये डाली माई का मंदिर है। जब बाबा रामदेव जी के दर्शन करते हैं ना, फिर उसके बाद डाली माई के मंदिर के दर्शन करते हैं। ये बाबा रामदेव जी का मंदिर है, मैं बचपन से बाबा रामदेव जी मंदिर जा रहा हूँ, मेन धाम रूणीचे जिसको बोलते हैं। कहते हैं कि यहाँ की जो रिक्की होती है ना, बबूती बोलते हैं जिनको, जो बाबा रामदेव जी की जो है, या मतलब भगवानों के जो होती है अगरबत्ती थी, उसकी जोत की राख होती है ना, वो उसको बबूती बोलते हैं लोग। वो कहते हैं कि वो अगर ना आप लगाए ना शरीर में, या थोड़े से खाए, तो आपके जैसे कोई दाद खुजली, पुराने से पुराना बार बार दाद होते हैं, बार बार खुजली होती है, स्किन एलर्जी होता है, उससे सही हो जाती है। ये चीज़ तो मैं भी मानता हूँ। और यहाँ पे क्या है, उसकी चांदी की ताती बांधी जाती है हाथों में, वो पैसे ने खुद के पैसों से नहीं होती, वो क्या मांग के पैसों से होती है। जैसे आप क्या है, अपने रिश्तेदारों से, जानकार से, आस पड़ोस से पैसे मांगो, उनको बोलो तांती बंधानी, तो अपने आप पैसे देंगे, आपको मांगने नहीं है, उनको तांती बंधानी है हमारे को, तो आपको 10-20-50 देंगे, फिर आपको चांदी की तांती लानी पड़ेगी, यहाँ पर बाबा रामदेव जी के नाम से बांधनी पड़ेगी, उससे क्या आपको चर्म रोगों से छुटकारा मिल जाता है, ये बोला जाता है। जय जय श्री कृष्णा। अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, हर किसी को पता लगना चाहिए। और ये बाबा रामदेव मंदिर वर्ल्ड फेमस मंदिर है, और ये राजस्थान में ही है, ओनली रूणीचे धाम में मेन मंदिर है, और बाकी क्या है वहाँ से जोत ला के ये फेमस हुए हैं। ये 350 साल पुराना मंदिर है, और भी जैसे सुजान देसर का, वो भी 350 साल पुराना है, ये उससे ज़्यादा पुराना है। यहाँ से जोत लेके जाते थे वो पुजारी थे ना जो वहाँ के, वो पहले यहाँ पे पैदल आते थे, यहाँ पे 22-23 किलोमीटर रोज़ का आना, रोज़ का जाना। तब इन्होंने कहा कि भाई तुम रोज़ आते हो, इससे बढ़िया तुम यहाँ से जोत ले जाओ, और वहाँ पे कर लो, आपको आना नहीं पड़ेगा। फिर वो यहाँ से जोत गई भी इस मंदिर से, बेरो का मंदिर बोलते हैं इनको, यहाँ से जा कर के रामदेव जी मंदिर का, और अंबासर से क्या है, अंबासर गाँव से यहाँ से बाबा रामदेव जी मंदिर से जोत गई, और वहाँ पे क्या है मंदिर बन गया। आज वो मंदिर बहुत फेमस है बीकानेर का, सब लोग जानते हैं सुजान देसर का मंदिर। और सबसे बड़ा मेन धाम तो आपको पता ही, रूणीचे में वर्ल्ड फेमस। आप एक बार यूट्यूब पे सर्च मार के देखा, मज़ा आएगा आपको देखने में। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ये मेरा लंगोटिया यार है, बचपन का दोस्त है, इसके साथ मैं बहुत जगह घूमता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, दिल्ली भी आना जाना इसके साथ मेरा बहुत होता है, तो यही मेरे को लेके आया है यहाँ पे। और इसके साथ में मैंने बहुत मंदिर देखे हैं, जैसे खेजड़ी वाले बाबा का मंदिर है, वो भी रूणीचे का मंदिर है, नाल में है, वो इसी भाई ने बताया था मेरे को, और मैं वहाँ पे रेगुलर जाता हूँ, मेरे घर से वो 7-8 किलोमीटर पड़ता है, ये मेरे घर से पड़ा है 25-1 किलोमीटर, 25 जाना 25 आना।